एक जरूरतमंद परिवार जो किस तरीके से दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी बेटी की शादी करने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था, और काम के लिए जब सब बाहर जाते हैं तो घर में एक बड़ा हादसा हो जाता है, आग लग जाती है। और कितनी भयानक वो आग रही होगी वो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। एक माँ का रुआंसा चेहरा आप देख सकते हैं, एक माँ जो अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों के लिए संजोती है, अपनी बेटी की शादी के लिए सामान संजोया था, लेकिन हादसा हो जाता है, घर में आग लग जाती है, हर चीज तहस नहस हो चुकी है, सब कुछ जल चुका है। एक रोती हुई माँ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक देख रहे होंगे, कुछ मदद की गुहार लगाएंगी? बेटी मदद तो नहीं, अभी आप करेंगे जी वो आएंगी, मेरे तो कुछ भी नहीं रहा, काम सामने ले कहीं सोच देंगे, और तो क्यों डनका तो की जो का तो सब कुछ यार। आज रोटी खा लेना, बेटी की शादी होने वाली थी, कुछ खाना नहीं खाया आपने एक दिन से? बेटी तो मैं साढ़े में जा रही थी, सारा सामान जल गया बेटी की शादी का, अब क्या करूँ फिर, मैंने कि नू दौड़ा था को भाई नू बनेगी मेरी गलिया। बिल्कुल, एक माँ है जो अपील कर रही है कि मदद की जाए, एक बेटी की शादी करनी है, सामान संजोया था, किस तरीके से एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी, पैसे जोड़ने के, एक पैसा जोड़ जोड़ के सामान इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन जब मौका आया शादी का तो घर में हादसा हो गया, आग लग जाती है, और एक माँ जो इतने सदमे में है कि 24 घंटे से उन्होंने खाना तक नहीं खाया। आप लोगों को मदद करनी है, आप लोगों को एक बार गूगल पे नंबर बता देते हैं जिसमें आप आगे आके सहयोग जरूर दें, इस गरीब परिवार की मदद जरूर करें। एक बार अपना गूगल पे नंबर बता दीजिए, 96 716 44 800। एक बार फिर से बता दीजिए, 96 716 44 800। तो नंबर आप लोगों को बता दिया गया है। एक रोती हुई माँ, एक रोती बिलखती माँ जिनकी बेटी की शादी होने वाली है और घर का सारा सामान जल चुका है, बेहद ज्यादा नुकसान हो चुका है, घर पूरा राख ही राख हो चुका है, आप आगे आके इस माँ का सहयोग कीजिए, उस बेटी का सहयोग दीजिए ताकि उनकी हंसी खुशी शादी हो सके। एक जरूरतमंद परिवार जो किस तरीके से दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी बेटी की शादी करने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था, और काम के लिए जब सब बाहर जाते हैं तो घर में एक बड़ा हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, और कितनी भयानक वो आग रही होगी वो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, घर पूरा राख हो जाता है, आप देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल किस तरीके से जल चुकी है, बेड जिस पे पूरा परिवार सोया करता था वो पूरा का पूरा जल के यहाँ पे तहस नहस हो चुका है, जो घर में फ्रिज था वो पूरा अंदर तक सड़ चुका है, और यहां तक कि दीवारें आप देखें, ऊपर की छत आप देखें और पंखा देखें किस तरीके से सड़ चुका है, आप फर्श देख सकते हैं, पूरा घर जो है वो राख ही राख में इस वक्त तब्दील हो चुका है, और उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, एक जरूरतमंद परिवार, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कपड़े हैं, जो रसोई का सामान है, जो आप कनक की बोरी देख सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे जला हुआ है, सर्दियों का मौसम है, जितने कंबल थे रजाइयां थी सब की सब जल चुकी है, घर में जितनी भी महिलाएं हैं सबके कपड़े आप देख सकते हैं नीचे फर्श पे पड़े हुए, सब के सब जल चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है जो सही सलामत हो, पूरा घर आप देख सकते हैं राख ही राख हो चुका है, और एक परिवार जो किसी तरीके से दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण, अपने घर का गुजर बसर चलाया करता था, उन पे क्या बीत रही होगी, अपने काम पे सब लोग जाते हैं और इतने में सूचना पड़ोसियों के द्वारा ये मिलती है कि आग लग चुकी है, हालांकि इतनी भयानक आग थी कि पड़ोसियों ने इकट्ठे होकर पानी से जरूर बुझा तो दिया लेकिन काफी ज्यादा देर हो गई और पूरा घर राख ही राख हो चुका है, सारा कोने आप देखिए हर जगह राख ही राख आपको बिखरी हुई नजर आएगी, और बेटी की शादी होने वाली थी, 2 महीने में बेटी की शादी होनी थी, और किस तरीके से एक पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने बच्चों का पालन पोषण किया, उसके बाद बेटी की शादी के लिए एक सुखमय जीवन उसको देने के लिए यहाँ पे सारा सामान संजो के इकट्ठा किया, लेकिन एक हादसा और वो सारा का सारा सामान जो है वो तबाह हो जाता है। तो आप भी आगे जरूर आए, हमसे जितना हो पाएगा हम भी इस गरीब परिवार की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि इस हादसे से उभर पाए, इस बेटी की शादी जो है वो अच्छे से धूमधाम से हो पाए, जैसे हर माँ बाप का सपना जरूर रहा होगा, और आप भी इस बेटी की शादी के लिए सहयोग दें ताकि एक अच्छा भविष्य मिल सके, इस घर की जो है मरम्मत भी करानी होगी, सर्दियां भी आ रही है, सब सामान तबाह हो चुके, तो आप मदद जरूर करें। आप एक बार गूगल पे नंबर बता दो जिसमें अगर कोई मदद करना चाहे तो वो कर दे, एक बार आप ऑनलाइन बता दो, 9671464800। तो ये गूगल पे नंबर है, आप पैसे ट्रांजैक्शन जरूर कर सकते हैं, जो भी आपसे मदद हो पाए वो मदद आप जरूर कीजिए। आप देखिए कि एक बार आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो पढ़ाई की थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तक यहाँ पे किस तरीके से जल चुके हैं, और सारा परिवार इस वक्त यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा सदमे में है, काम करने के लिए घर से निकले थे लेकिन किसने सोचा होगा कि जब वापिस आएंगे तो कुछ भी सामान यहाँ पे नहीं मिलेगा, और आप सोचिए कि जिस घर में खुशियां आने वाली थी वो घर किस तरीके से, नंबर आपको एक बार फिर से बता देती हूँ,
नंबर है 9671644800। इस नंबर पे आपसे हो सके तो आप मदद ज़रूर कीजिए। नवीन के नाम से नंबर आपको गूगल पे पे मिलेगा। आपसे जितना भी हो पाए आप सहयोग ज़रूर दें, क्योंकि एक बेटी की शादी के लिए यहाँ पे सामान इकट्ठा किया गया था, लेकिन वो सामान जो है सारा का सारा जल चुका है। दीवारें आप देख लीजिए पूरी काली पड़ चुकी हैं, पूरी राख ही राख हो चुकी है। सारा खाने पीने का सामान हो, पहनने के कपड़े हो, या फिर ओढ़ने के लिए रजाइयाँ हो, मोटर बाइक। अब आप सोचिए एक गरीब परिवार, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला परिवार कितनी मेहनत के बाद एक मोटरसाइकिल खरीद सकता है। बेड हो, फ्रिज हो, सारा घर का बेसिक सामान यहाँ पे जो है जल चुका है। तो आप लोगों से अपील रहेगी, हमसे जितना हो पाएगा हम भी इस परिवार की सहयोग जरूर करेंगे। आप भी सहयोग जरूर कीजिए। आंटी जी भी यहाँ पे हैं, और उस बेटी पे क्या बीत रही होगी, उसके खुशहाल जीवन के लिए आप जरूर जो है मदद कर सकते हैं। आंटी जी आप लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि एकदम से सारी जो आपकी जमा पूंजी थी वो कहीं ना कहीं राख हो जाती है, तो मदद जरूर लोगों को करनी चाहिए आगे आके। करेंगे क्यों नहीं, कर लेंगे, आप भी करियो, हम भी। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो आंटी जी भी मदद की गुहार जरूर लगा रही है। इंसानियत के नाते आप आगे आके इस परिवार के ऊपर, क्योंकि मुश्किलें काफी ज्यादा हो चुकी है इस वक्त, और समय भी कम रह गया, बेटी की शादी भी करनी है, सारा सामान यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है तबाह हो चुका है, तो आप आगे आके बढ़ चढ़ कर परिवार का सहयोग जरूर दें। पड़ोसदारी में तो बहन का धुआं निकला, तो इसी करके सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई, और पब्लिक ने आपको कवर किया पानी डाल के। गांव वालों ने बुझाई ये अपने यहाँ गांव में पड़ोस में जो भी मोहल्ले में थे, पूरा शोर शराबा मच गया, पब्लिक काफी इकट्ठी हो गई यहाँ पर। कारण क्या लगा, कैसे लगा? कारण का कोई पता नहीं जी, यहाँ पर कोई नहीं था, लड़की स्कूल गई हुई थी, छोटे बच्चे उधर बाहर खेल रहे थे, और घर के जो मेन मेंबर है वो अपने सब मजदूरी के काम पे गए होते हैं। सब सामान चल गया। क्या करा, मोटरसाइकिल बता रही है माँ जी, मोटरसाइकिल भी खड़ी है ये सामने आपके, और फ्रिज है, बेड है, बेड में जो सामान था ये सामने सब बिखरा पड़ा, सब जड़ा पड़ा। किचन का सामान भी अंदर ही था? हाँ जी, हाँ जी, सब अंदर ही था जी। घर में शादी भी थी आगे? आगे मतलब थोड़ा थोड़ा सामान खरीद के ना इकट्ठा कर रहे थे, भाई आगे लड़की की शादी करेंगे, तो ये हुआ जी। आपके शादी की कोई डेट फिक्स नहीं करी थी, क्यों इनके समय करनी थी? हाँ जी, हाँ जी, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं इनकी, थोड़ा थोड़ा मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करके वही एक एक प्रोडक्ट खरीद के अपना इकट्ठा कर रहे थे अपना सामान। करते क्या है जी? मजदूर है जी, मजदूर है बस, घर में कोई इनकी जॉब नहीं है जी, पूरा घर ही जल गया। हाँ जी, ये देखो आपके सामने सब कुछ है, बढ़िया भी जल रही है, देख। हाँ, छत वाला पंखा तक जल गया, और इससे ज्यादा क्या हो। बिल्कुल, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला एक परिवार, और आप देख सकते हैं किस तरीके से अचानक से जब कोई घर पे नहीं होता तो आग लग जाती है, और सारा का सारा सामान जो है वो जल जाता है। आप देख सकते हैं ये मोटर बाइक है जो जल जाती है, फ्रिज है वो पूरे तरीके से सड़ चुका है, बेड आप जहाँ पे देख सकते हैं मैं खड़ी हुई हूँ, बेड पूरे तरीके से जल चुके हैं, और हर तरफ राख ही राख है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है सही सलामत। दीवारों पे आप देखिए ये राख ही राख यहाँ पे हर जगह पे हो चुका है, पंखा तक आप देख सकते हैं कि जल के सड़ चुका है। किस तरीके से अचानक से जब कोई घर पे नहीं होता तो आग लग जाती है, पड़ोसी आते हैं आग बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन देरी जरूर हो जाती है, क्योंकि सारा घर का सारा सामान जल के राख हो जाता है। दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरीके से गरीब परिवार अपने घर का गुजर बसर चलाता था, और बेटी की शादी के लिए सामान संजोना शुरू किया हुआ था, घर में शादी का कई सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन सब कुछ जल के तहस नहस हो जाता है। आप देखिए रसोई का सारा सामान है किस तरीके से, वहां पे मंजी वगैरह सब कुछ जल चुका है, फर्श पे आप देखेंगे चारों तरफ राख ही राख इस तरफ जो है बिखरी हुई नजर आ रही है। और अब सोचिए उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपनी बेटी की शादी को हंसी खुशी करना हर माँ बाप का सपना होता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि इस तरीके से मेहनत करके मजदूरी करके सामान खरीदा जरूर जा रहा है, लेकिन किस तरीके से पूरा घर जो है वो ऐसे जल जाएगा। हालांकि यहाँ पे और भी लोग हैं, तो किस तरीके से लगी थी आग? मुझे नहीं पता, मैं स्कूल जाती हूँ ना। आप स्कूल गए थे? यस। बस जब आप आए तो सब सब यहाँ पे कर रहे थे काम। आज ही हुआ है? यस, आज ही हुआ है। तो शादी थी किसी के घर में? नहीं, फिलहाल मतलब शादी के लिए इकट्ठा हुआ था ना जो सामान, वो सारा जल चुका है। शादी का सारा सामान इकट्ठा करके रखा? हाँ, यस। कितना नुकसान हो गया होगा फिर? बहुत, वो तो मेरी मम्मी को ही पता है। जी हाँ आंटी जी बताइए। दाड़ी दूड़ी कर कर ले आई थी, वहाँ भी दर्द देती थी, ले का सामान भी। घर में एक तो इसकी मम्मी पापा, और एक या और एक इसका भाई कृपान पर जा रहा। तो किसी तरीके से मुश्किल से शादी के लिए सामान इकट्ठा किया था? हाँ, जमीन गरीब नहीं आज जी, जमीन दिहाड़ी करना बेचारी, किसी का सुख नहीं देखा। तो आप सब लोग घर में नहीं थे? नहीं जी, घर में कोई नहीं थे।
तो जब आप शाम को आए पड़ोसियों द्वारा आपको सूचना मिली? पड़ोसियों नहीं बताया, रुके मर मर का। लेकिन जब तक आए सब जल चुका था। हाँ, जब आग लग रही थी जिदा आए सारे इकट्ठे हो गए, सारी मेहनत की कमाई सारी राख हो गई। सारी राख हो गई बिल्कुल। आप देख सकते, आप ही की बेटी की शादी होने वाली थी, मेरे देवर की छोरी आई है, देवर की बेटी की शादी होने वाली थी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग दादी है ये, और किस तरीके से आप ही की शादी होने वाली थी। नहीं, अभी डेट फिक्स नहीं करी हुई थी, बस सोच रहे थे पेपर हो लेंगे और फिर शादी करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक दादी पे क्या बीत रही होगी, आंखों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आंसू, ताई हो आप तो, मतलब एक माँ पे एक ताई पे क्या बीत रही होगी, आप आंखों में आंसू देख सकते हैं, जो कि कुछ वक्त के लिए घर से बाहर काम पे जाते हैं। और इंसान पूरी जिंदगी, एक माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी की शादी को अच्छे से करना, हंसी खुशी करना, और उसी के लिए माँ बाप जो है जिंदगी भर मेहनत करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला पुंडरक का एक गरीब परिवार किस तरीके से अपने घर का गुजर बसर चला रहा था, बेटी की शादी करनी थी, घर में हंसी खुशी का माहौल होने वाला था, लेकिन उसी बीच सारा सामान जो यहाँ पे इतनी मेहनत की कमाई से संजो के इकट्ठा किया जाता है कि बेटी को देंगे शादी के बाद, उसकी जिंदगी सुखमय होगी, किस तरीके से सबका सब जल जाता है। सर्दियां आने वाली हैं, जितनी रजाइयां थी सारी रजाइयां, सारा बेड सब जल सारी जल गई, मैं पड़ी लूंगा भी उरा भी सारी जल गई। कहां से खरीदेंगे एकदम से इतना सारा तो खरीदता है, पड़े रहेंगे नहीं बेचारे, दे देंगे कोई मांगे बेचारा ना। फोन भी जल चुके हैं, मैं देख पा रही हूँ, फोन जल गया है, मोटर बाइक जल गई है, बेड जल चुका है, पूरा घर राख ही राख हो चुका है, सारा रसोई का सामान यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से जला हुआ है, वो मैं देख पा रही हूँ कि जो बोरी होती है कनक की वो भी सारी जल चुकी है, और किस तरीके से आप देखिए राख राख बिखरा हुआ है, कंबल सब कुछ जल चुका है जहां तक भी नजर जाती है, और आप देखिए किस तरीके से कपड़े तक, पहनने के जो कपड़े हैं वो भी जल चुके हैं। शादी घर में होने वाली थी, कुछ ही महीनों में बता रहे हैं, 2 महीनों में शादी करनी थी, रिश्ता पक्का कर दिया था, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है, एक बड़ा हादसा हो जाता है जब परिवार घर पे मौजूद नहीं होता, और जब तक लौट के वापस आते हैं पड़ोसियों के द्वारा सूचना दी जाती है तब तक काफी देर हो चुकी थी। अभी कारण नहीं स्पष्ट हो पाया कैसे हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ या आग कैसे लगी? ना कुछ नहीं, बेरा लग गया ना, इवन्यू किसका नाम धरा भी और ना कोई देखा, सब लोग घर में दिहाड़ी मजदूरी कर, सब दिहाड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं कि एक गरीब परिवार है, एक जरूरतमंद परिवार है जी। ये बजाने वाले आ रहे सारे, वो तो थी भी नहीं, फिर आई थी पड़ोसियों ने बताया, सारे पड़ोसियों ने बजाया, सारे पड़ोसियों के द्वारा आग जरूर बुझा दी जाती है, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो गया था, घर के कोने कोने में आप देखिए राख ही राख बिखरा हुआ है, कपड़े हो, कंबल हो, मोटर बाइक हो, सब कुछ जल जाता है, पंखे तक सड़ चुके हैं, आग इतनी ज्यादा थी। और अब आप देखिए कि गरीब परिवार अब क्या करेगा, उनके पास ना सामान है सारा, अचानक से किस तरीके से इतने पैसे इकट्ठे करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो उनका जल के राख हो जाता है। हालांकि फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था, फिर किस तरीके से आग बुझाई? रहा था 1 किलो बजाई, दो दो नाली लेकर मोटर लेकर, पड़ोसियों ने बुझा दिया, बगड़ के आ रहे थे सारे चुमारा के बच्चे, सारे आ रहे थे, सब ने बजाया, सारे आस पड़ोस के लोग यहाँ पे आते हैं, आग बुझाने के प्रयास किए जाते हैं, आग जरूर बुझा दी जाती है, लेकिन बहुत साफ है कि बहुत देर हो चुकी थी, और परिवार की आंखों में यहाँ पे आंसू हैं। एक मजबूर परिवार इस वक्त आप देख सकते हैं, एक माँ बाप जो अपनी बेटी की ऐसी खुशी शादी करना चाहते थे, कितना सामान इंसान धीरे धीरे, अब आप सोचिए एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जो पिता है वो कितने ही पैसे कमा पाता है, अपने बच्चों के खर्चे भी पूरे करने हैं, घर के खर्चे भी, और फिर बेटी के एक अच्छे भविष्य के लिए, एक अच्छे घर में शादी करने के लिए सामान भी इकट्ठा करना है। धीरे धीरे किसी तरीके से सालों की मेहनत थी, सामान इकट्ठा किया था, लेकिन तभी जब परिवार काम के लिए घर से बाहर जाता है तो पड़ोसियों के द्वारा फोन आ जाता है, और जैसे ही घर में आके देखते हैं आग बेशक बुझा दी जाती है पड़ोसियों के द्वारा, लेकिन घर पूरा राख ही राख हो जाता है, राख में तब्दील हो जाता है, सब सामान यहाँ पे जल चुका है। एक छोटा सा हादसा था, लेकिन अब ये परिवार क्या कुछ करेगा वो एक बड़ा सवाल है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी मदद के लिए आगे आना चाहिए। गरीब परिवार है, एक हादसा हो चुका है, क्या कुछ कारण रहते हैं वो भी अभी तक परिवार को स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जब भी आग लगने की खबरें दिखाई जाती है तो आपको हमेशा बोला जाता है कि टाइम टू टाइम आप सर्विस कराते रहिए, जितने भी बिजली की तारें आपके घर में, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स होती है, उन सबको चेक करिए, उनकी सर्विस करा के रखिए, कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है अचानक से, कुछ भी इस तरीके से हो जाता है, और वो छोटी सी चिंगारी, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ राख ही राख हो जाता है, तो थोड़ा प्रशासन को इस गरीब परिवार की ओर ध्यान केंद्रित जरूर करना चाहिए। भवे नारंग करनाल।